हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पर पीजी कॉलेज में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि ये सेमिनार 14 से 16 नवंबर तक चलेगा। इस सेमिनार में विभिन्न राज्यों से आए 11 वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन के कारणों और उनके निदान पर मंथन करेंगे। पीजी कॉलेज में जंतु विज्ञान विभाग की ओर से आयोजित सेमिनार का शुभारंभ उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया। मुख्य अतिथि के तौर पर आए राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा, वातावरण में लगातार परिवर्तन होना चिंता का विषय है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और बायोडायवर्सिटी में असंतुलन को लेकर पूरा विश्व चिंतित है, लेकिन इन परेशानियों से निपटने के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ है और संतुलन बनाए रखने के लिए जो भी सुझाव इस सम्मेलन में आएंगे उन पर सरकार गौर करेगी। कोस्ट के महानिदेशक आ रखे हैं, 3 पूर्व कुलपति आ रखे हैं, पूरे बीएचयू से आ रखे हैं, काफ़ी लोग यहाँ जा रखे हैं और मैंने उनको कहा कि जो भी यहाँ पे शोध पत्र जारी होंगे उनकी कॉपी जो है हमको भी सरकार को जरूर देगी। हमारा जो पीजी कॉलेज यहाँ का है 1974 से यहाँ पे चल रहा है और हमारे प्राचार्य जी ने 2 चीज़ डिमांड की, मैंने कहा हम निश्चित रूप से पूरी करेंगे। यहाँ पे अभी तक जमीन की दिक्कत है, मैंने जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि कहीं भी हमको जल्दी आप जमीन देख लीजिए और जैसे जमीन मिलेगी तो हम नए कॉलेज के लिए पैसा यहाँ पे दे देंगे। इस सेमिनार में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, संस्थानों के निदेशक, वैज्ञानिक और शोधार्थी छात्र छात्राओं के अलावा स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया, सभी ने लगातार बदलती जलवायु पर चिंता जताई। आज पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन एक बड़ा सवाल बन गया है कि आखिर कैसे इसको तेजी से बदलने से रोका जा सकता है। जैसा कि कुछ अगर आप देखें तो हिमालय कई सालों से जो नाम आता है, हिमालय और क्लाइमेट चेंज तुरंत एक शब्द जो है तुरंत जुड़ जाता है, इसलिए कि हिमालय ज़्यादा तेजी से गर्म हो रहा है देन मोस्ट ऑफ द अदर एरियाज। और चिंता की बात यह कि हिमालय के बाद बहुत बड़ा ग्लेशियर एरिया है जो थर्ड पोल कहते हैं, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास जो सबसे ज़्यादा बर्फ है वो हिमालय के अंदर है। ये पिघलेगा, हमारी नदियों पे क्या असर होगा इसका। दूसरा है जैविक विविधता, बायोडाइवर्सिटी में बहुत बड़ा जो एरिया है जो हिमालय में जो स्पेशल बायोडाइवर्सिटी रखता है उनका क्या होने वाला है, क्योंकि जब वार्मिंग होगी, जब गर्म होना शुरू होगा तो स्पीसीज ऊपर जाएंगी, कुछ को जगह मिलेगी कुछ को नहीं मिलेगी, एक तरह से जैमिंग होगी, तो इन स्पीसीज का क्या होगा जिसके लिए हम बहुत जानते हैं, और खेती हमारी जो है उसका असर क्या होगा। इन सब समस्याओं के कारण हिमालय जिस तेज़ी से गर्म हो रहा है वो चिंता का बहुत बड़ा विषय है। नार से जो है हम लोग कोशिश करते हैं कि देखिए ऐसा कि नॉलेज हिमालय एक डिफिकल्ट एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, अगर आप देखेंगे तो जो ईस्टर्न हिमालय है और जो वेस्टर्न में दोनों अलग अलग तरीके हैं, उनकी समस्याएं अलग हैं। बहुत डेटा चाहिए, बहुत से एनालिसिस चाहिए जिसमें जितना चाहिए। इसलिए लोग भाई कभी एक बार लिखा गया था कि हिमालय व्हाइट स्पॉट है, मतलब कि डेटा नहीं है, तो डेटा की स्केल काफ़ी ज़्यादा चाहिए, जितना चाहिए उतना हम इकट्ठा नहीं कर पा रहे। हम बात करेंगे, समझेंगे क्या और स्टडी हो सकती है। एक माहौल भी तो बनाना जरूरी है, ये तो लोग मानेंगे नहीं कोई समस्या है, समस्या तो हो चुकी है बहुत बड़ी। सेमिनार में पहुंचे श्री देव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति का कहना है कि अब ग्लोबल वार्मिंग पर चिंतन और मंथन करने की जरूरत तो है, वहीं सरकारों को भी वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए शोधों पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि धरातल पर भी इस पर कार्य हो सकेंगे, क्योंकि हिमालय में लगातार बर्फ पिघल रही है जिसका मुख्य कारण है डिफॉरेस्टेशन, बढ़ती आबादी, कार्बन का अधिक उत्सर्जन। इन सबको कैसे रोका जाए इसका रास्ता निकालने की जरूरत है, क्योंकि जलवायु में जो भी परेशानी आ रही है उसका कारण मानव जाति है, तो इसका समाधान भी हमें निकालना होगा। बहुत बड़ा एक रेलिवेंट टॉपिक आज के युग में है, जबकि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे प्रभाव पड़ रहे हैं। बस नोटता है कि क्लाइमेट चेंज होता है क्यों, तो अगर आप इसको दूसरे शब्दों में जैसे बोले ग्लोबल वार्मिंग, तापमान का बढ़ना ही पूरे के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्लाइमेट चेंज होता है। तो इसलिए जो है उसके 2 रीजन होते हैं, एक तो रोटेशन ऑफ अर्थ होता है, 2 विचारधाराएं हैं कि जो अर्थ की रोटेशन हो रहा है उसके हिसाब से तापमान बढ़ रहा है। लेकिन दूसरा समूह बोलता नहीं, ऐसा नहीं है, वो कहता है कि जो हमारे एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरवेंस है, जो मानव द्वारा अत्यधिक जो खनन हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है, या जो हमारे औद्योगिकरण हो रहा है, कारखाने लग रहे हैं, उसकी वजह से जो टेम्परेचर
इंक्रीज हो रहा है उसके वजह से जो है उसके वजह से पूरा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो अब आपने देखा कि बहुत सारे रीजन्स हैं, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं बारिश हो रही है अनप्रिडिक्टेबल मैनर में, तो इसके दोनों रीजन हो सकते हैं। तो हम लोगों का बींग ए ह्यूमन बींग, हम लोग इसको कैसे, कार्बन का जो उत्सर्जन है सीओट कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो मेनली जो है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको हम कैसे कार्बन के उत्सर्जन को कम कर सकते हैं, तो ये हमें एक ह्यूमन बीइंग के नाते उसको सोचना होगा। दूसरा डिफॉरेस्टेशन को हम कम करें, और तीसरी जो है हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा और उससे क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। अब ICCP की रिपोर्ट है जो इंटरनेशनल एक संस्था है कि अगर यही इस हिसाब से चलता रहे तो 2030 से 2050 के बीच जो टेम्परेचर की वृद्धि होगी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड होगी, 1.5% की जो डिग्री बढ़ेगा उसके हिसाब से क्या होगा, फिर ग्लेशियर पिघल जाएंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो नदियों में पानी आएगा, पानी कहाँ जाएगा, समुद्र में जाएगा, समुद्र में जाएगा तो समुद्र का लेवल बढ़ेगा, समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो फिर वहाँ पर लोगों के ऊपर वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। वहीं सेमिनार के आयोजक सचिव और PG कॉलेज के जंतु विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर VP सेमवाल ने बताया कि अब तक 300 से ज्यादा शोधार्थी वैज्ञानिक और छात्रों ने पंजीकरण कर लिया। सेमिनार में 3 दिन में 10 सेशन होंगे। सेमिनार का ड्राफ्ट को तैयार कर सरकार को सौंपा जाएगा। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है कंटेम्पररी इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, नेचर ऑफ रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट। इसको हमने 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला जो सेक्शन है वो क्लाइमेट चेंज का, दूसरा है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन का, तीसरा है नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, और चौथा है नमामि गंगे। तो ये जो प्रोग्राम चलेगा ये 14, 15, 16 तीन दिन की जो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है इसमें लगभग 11 स्टेट हिमालयन स्टेट ने पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पे अधिकतर जो लोग हैं उत्तरांचल के हैं और असम से भी यहाँ पे आए हैं, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से आए हैं, वेस्ट बंगाल से आए हैं, और आपके मिजोरम से आए हैं, आपके जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सेंट्रल इंडियन ऑफिसरीज के डायरेक्टर आए हैं। हर किसी की जुबान पर क्लाइमेट चेंज का सवाल रहता है। दिन पर दिन पिघलती हिमालय की बर्फ वैज्ञानिकों के माथे पर चिंता की लकीर खींच देती है। प्रशासन भी इस तरह के सेमिनार कई बार आयोजित करती है। वैज्ञानिक भी माथा पंची करके आंकड़े निकाल सरकार को रिपोर्ट भी सौंप देता है, लेकिन प्रशासन वैज्ञानिकों की शोध पर कितना काम करती है ये तो राम ही जाने। लेकिन अब सरकारों को भी इन शोधों पर ध्यान देने की जरूरत है, तब जाकर इस बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। पंजाब केसरी TV के लिए टिहरी से सूर्य रमोला की रिपोर्ट।